बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग कोरोना के मर्ज से, कोरोना की बीमारी से बचे हुए होंगे, और अल्लाह करे हर मुसीबत हर परेशानी से अल्लाह पाक आप लोगों को दूर करे, और इसी तरह अल्लाह ताला मेरे घर वालों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन। आप लोग भी आमीन बोल दिया करें। आप लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो आज मैं दही बड़े बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि झटपट बनाते हैं, और ये रमज़ान में भी बना सकते हैं आप। एक रमज़ान के लिए भी एक ये तैयारी है। तो मूंग के और माश के दही बड़े, जो मीठे दही बड़े बनते हैं, ये दोनों क्वांटिटी मैंने बराबर की लिए, लेकिन कोई ज़्यादा खुश हो के फूल गया, कोई नहीं हुआ, तो अभी क्वांटिटी दोनों की बराबर थी, एक एक प्याली। तो ये मैं इसमें डालती हूँ, और इसके अंदर ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी पिए इसके अंदर। ये माश की दाल एक प्याली, दोनों दाल, एक प्याली माश की दाल ली थी, एक प्याली मूंग की दाल है ये। आप लोगों को जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से ले लें, आधी प्याली एक प्याली जितने लोग हैं घर में। अच्छा, इसमें इतना पानी नहीं डालना। इसके अंदर सबसे पहले ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के लूँगी, क्योंकि दो किस्म की दालें हैं ना, एक एक प्याली में एक एक स्पून। लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आप लोगों को बर्दाश्त है मिर्चों की। हम लोग ये 2 टेबल स्पून लेंगे, टीस्पून है ये, 2 टीस्पून के बराबर लूँगी मैं, और 1 टीस्पून ज़ीरे का, पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है ये, कच्चा नहीं है। 1/2 टीस्पून गरम मसाले का, जो कि मेरे घर का बना हुआ है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब पर देखें, हम लिंक दे देंगे इसका। 1/2 टीस्पून गरम मसाले का, कितना खोलते ही खुशबू आती है। आप लोग बनाएंगे, आप लोग खुद कहेंगे कि कितना अच्छा बना हुआ है ये। और 1 टीस्पून ये टीस्पून नमक का। अच्छा, इसमें 1/2 टीस्पून सोडे का डालेंगे, ताकि ये फूलने में मदद देगा। ये ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये। अच्छा, इसको मैंने इतना पीसा है, काफ़ी देर तक पीसा है, कि ये स्मूथ हो जाए। तो अब देखें एयर का इसका क्या तरीका है इसको देखने का। अगर ये पानी के ऊपर ही रहेगा तो हम लोगों ने सही पीसा है, अगर ये नीचे चला जाएगा तो इसका मतलब इसको दोबारा पीसना है। ये देखें, मतलब ज़बरदस्त पीसा है ये, ऊपर ही नीचे नहीं जा रहा है ये, तो ये हमारा सही है। अब हमने इसमें जो सोडा डाला था उसके लिए इसको हमें कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है, और इतनी देर में हमें इसकी मसाले और चटनियाँ बनानी है, तो वो मैं आपके सामने ही बनाऊंगी सारी। एक एक मिनट, दो दो मिनट में दिखाऊंगी आपको, खाली इतनी लंबी रेसिपी नहीं करूंगी मैं। अच्छा, अब दही बड़ों का मसाला बना रही हूँ, जो झटपट बनने वाला है। इसके लिए मैंने ये तेज़ मिर्च ली है, बड़ी वाली जो ली गई है, और ये कश्मीरी मिर्च ली है। तो ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए और कलर के लिए लिया है। ये मैंने 3-4 कश्मीरी मिर्चें हैं, और ये तेज़ मिर्च है। ये धनिया भुना हुआ है, और गरम ये साबुत धनिया भी भुना हुआ, और ज़ीरा भी भुना हुआ है। तो इन दो चीज़ों को तो हम मैंने ही डालूंगी, और सिर्फ इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी हरी मिर्चों को, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मिर्चें रोस्ट कर ली, और ये दोनों चीज़ें भी मैं साथ में डाल देती हूँ इसी के, फिर सब मिक्स करके निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने लाल मिर्चें तेज़ वाली डाली हैं, आप गोल वाली भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो नहीं, और आप बना के रखें इसका मसाला, दही बड़ों का बहुत ज़बरदस्त है, रमज़ान में काम आएगा। 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट का डाल रही हूँ मैं बस। अब इसको मिक्स करके मैं इसको पीस लूँगी, और इसके अंदर कुछ खट्टी चीज़ नहीं डलती है, ना चाटनी डलती है, ना आमचूर पाउडर डलता है। ये जैसे चाट का मसाला होता है, इससे बहुत डिफरेंस होता है। ये खुशबू देखें बस, खाली खुशबू। आप लोगों को तो मैं सुंघा नहीं सकती, लेकिन आप जब आप लोग बनाएंगे तो आप खुद ही फील कर लेंगे कि कितना ज़बरदस्त मसाला बनाई है दही बड़ों का। चलो, ये हमारा तैयार हो चुका है। हाँ, बस अब हम इसकी चटनी बनाते हैं। अच्छा, ये 2 कप मैंने इमली का पल्प लेके मैंने इसको खूब गाढ़ा कर लिया है, पका लिया है। अब उसकी मीठी चटनी बना रही हूँ मैं दही बड़ों के लिए। तो ये मैंने गुड़ लिया है, ये 2 टेबल स्पून फुल भर के लिए मैंने ये। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून मैंने गुड़ के लिए, अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी का भी बना सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, और ये ये कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून,
और आधा टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर है ये, और ये आधा टीस्पून नमक के ब्लैक सॉल्ट, और एक टीस्पून जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर जिसको सौंठ भी बोलते हैं वो डाला है, और ये जीरा है एक टीस्पून। बस अब इसको सबको मिक्स करके जब तक ये गुड़ घुल जाता है इसके अंदर, बस बिल्कुल सिलो आंच पे पका के फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। कलर देखें, और अभी ये थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी, ये ठंडी हो गई ना, अभी इसमें से स्टीम देखें निकल रही है ना, नज़र आ रही है ना, ये भी बन गई, मसाला भी बन गया। बस अब ये ग्रीन चटनी बनानी है और उसके बाद मैं दही बड़े फ्राई करती हूँ। अच्छा, अब दही बड़ों के लिए ग्रीन चटनी बना रहे हैं, इसके लिए ये 8-10 हरी मिर्चें लिए हैं, 8-10 ये लहसुन लिए हैं, और ये हरा धनिया लिया है मैंने आधी गड्डी, और पुदीना के भी आधी ली है मैंने। अच्छा, इसके अंदर एक आधा टीस्पून नमक का डालेंगे, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक नहीं है तो वाइट भी डाल सकते हैं, ये आधा टीस्पून नमक का, और एक प्याली ये इमली के पल्प की, ये मैंने निकाल के छान के रख लिया था। बस अब मैं इसको पीस के दिखाती हूँ आपको। तो ये ग्रीन चटनी भी तैयार हो चुकी है, और चटनियाँ मसाले हमारे सब तैयार रेडी हैं। बस अब हम दही बड़े बना के दिखाते हैं आपको, उसमें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दाल का बैटर तैयार है और ऑयल गर्म हो चुका है, बिल्कुल मैंने मीडियम करा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो करा हुआ है मैंने, और इसको इस तरह डाली स्पॉन से, बड़े वाले स्पॉन से, तो इससे गोली बनेंगे इससे। इसको पानी में अभी नहीं डालेंगे, जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर डालूंगी पानी में। तो ये हो गए हैं, ये बिल्कुल स्लो पे करते हैं, और इसको कढ़ाई में नहीं करते क्योंकि कढ़ाई के अंदर ये फ्लैट नहीं बनेंगे, ये एकदम इस शेप आ जाएगा, तो इसलिए इसको फ्राई पैन में ही करना होता है। तो ये सब हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पानी में डाल के दिखाऊंगी आपको, और दही बड़े तैयार हैं। ये बन चुके हैं और एक आखिरी वो रह गए हैं, बस ये भी हो जाएंगे तो मैं डाल दूंगी, ये ठंडे हो चुके हैं ये, तो मैं इसलिए इसको पानी में डाल देंगी, और पानी में मैंने पहले से नमक डाला हुआ है। ये सब बन चुके हैं दही बड़े, इसको पानी में डाल दिया, अभी 10 मिनट इसको पानी में पड़ा रहने दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, फिर मैं पानी में से निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब इसके अंदर ये दही डाल दिया, इसके अंदर मैंने चीनी के 4 टेबल स्पून लिए हैं, आपको जितना रिक्वायर्ड होता है, जितना आपको मीठा अच्छा लगता है आप उतना डाल सकते हैं, हमने अपने घर के हिसाब से डाला है। ये देखें, चाट मसाला, अच्छा लगा ना, सही है। तो ये रेडी हो चुके हैं, ये मूंग और माश की दाल के दही बड़े रेडी हैं, जो ज़बरदस्त हैं, मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप लोग बनाएं, एंजॉय करें, रमज़ान के लिए पहले से तैयारी कर लें, और ये डिश रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त लगेगी। जो भी रोज़ा खोलेगा वो आपको दुआएं देगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए, एंजॉय करें, मज़े उठाएं। हाँ, तो ये मीठी चटनी बनाई थी वो तो आपको पता ही है, ये ग्रीन चटनी है, ये मसाला है, जो कि सब कुछ आपके सामने ही रेडी किया है, और ये दही बड़े बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो आप लोग बनाएं, एंजॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और शेयर करें, और कमेंट्स कर दिया करें कि अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।